रूस के न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर मेदवेदेव का बड़ा बयान, रूस को परमाणु हथियार इस्तेमाल करने का पूरा हक है। न्यूक्लियर वेपन्स ने विरोधी देशों को कंट्रोल किया, मेदवेदेव ने कहा। रूस की संप्रभुता के लिए जरूरी है न्यूक्लियर थ्रेट, मेदवेदेव ने कहा। मेदवेदेव ने रूसी न्यूज एजेंसी इंटरफैक्स को यह इंटरव्यू में कहा। अब यह हैरान करने वाली बात है, आज की तारीख में न्यूक्लियर पॉस्चरिंग की जरूरत क्यों है? सीधे आइए, दिमित्री मेदवेदेव रूस सिक्योरिटी काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर रूस का स्टैंड दुनिया के सामने बार बार रखा। मेदवेदेव ने न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर क्या कहा, अब आपको वो दिखाते हैं। ध्यान से देखिए आप मेदवेदेव ने क्या कहा, और ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट कुछ दिन पहले, बल्कि दो दिन पहले लेवरोव का आया था। रूस को परमाणु हथियार इस्तेमाल करने का पूरा हक है, नंबर वन। नेक्स्ट दिखाइए, रूस के परमाणु हथियारों ने विरोधी देशों को कंट्रोल कर रखा। फिर इसके बाद रूस को बांटने के से रोकने के लिए, बंटने से रोकने के लिए न्यूक्लियर वेपन एकमात्र रास्ता है। रूस की संप्रभुता, स्वतंत्रता और अखंडता बनाए रखने में मदद करेगा न्यूक्लियर थ्रेट। न्यूक्लियर वेपन की वजह से विरोधी देश रूस के खिलाफ एक्शन से बचे। अगर हमारे पास स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वेपन नहीं होते तो रूस टुकड़े टुकड़े हो जाता। कई शक्तियां लगातार रूस को टुकड़े टुकड़े करने की फिराक में है। रूस परमाणु हथियारों के अप्रसार और समझौते के पक्ष में खड़ा, दिमित्री मेदवेदेव ने यह कहा। इस सब के बीच में दिमित्री मेदवेदेव के बयान से चिंतित होना लाजमी है, क्योंकि 5 दिन के अंदर रूस के 3 टॉप लीडर्स न्यूक्लियर वेपन और परमाणु युद्ध को लेकर बयान दे चुके हैं। रूस के राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और सिक्योरिटी काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट के बयानों को देखें तो समझ में आएगा कि ये मामला कितना सीरियस है न्यूक्लियर वेपन को लेकर। दिखाइए जरा यहां पर, ओ वेरी वेल मेड, ये देखिए आप। मैं चाहूंगा मेरे जो कैमरा पर्सन है प्लीज थोड़ा थोड़ा जूम इन करें। नंबर वन, 2 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर और वो कहते हैं न्यूक्लियर पॉस्चरिंग नहीं हो रही है। ये वाला ब्लॉक जूम इन करें, 2 का पहले, यहां पर वेल डन। यूक्रेन हथियार बढ़ाता रहा तो परमाणु हमला अनिवार्य हो जाएगा, यह पुतिन ने कहा। सर्गेई लेवरोव, न्यूक्लियर पावर्स के बीच टकराव का नतीजा विनाशकारी होगा। यहां पर आ जाइए, रूस की संप्रभुता और स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए न्यूक्लियर थ्रेट जरूरी, ये मेदवेदेव ने कहा। फिर पुतिन ने क्या कहा, देखिए चेंज करें यहां पर। पुतिन ने जो कहा है वो ये है कि यूक्रेन हथियार बढ़ाता रहा तो परमाणु हमला अनिवार्य होगा, यानी ये जो फैक्टर्स हैं वो बता रहे हैं कि आखिर ये युद्ध कहां जा रहा है।